हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी सर एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर विद एंथनी सर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द पोएम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक माय कोर्स बुक व्हिच इज फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10। ठीक है, तो हमारी चैनल पे आपको सीबीएसई बोर्ड और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक और ग्रामर के रिलेटेड हर एक मटेरियल आपको मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये पोएम में है क्या। पोएम का नाम है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। मतलब पोएट यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट चाहिए। ठीक है, बास्केट फुल मतलब थोड़ा सा, जो भी बास्केट होता है वो भर के मूनलाइट हमको। तो अभी ऐसे मूनलाइट कैसे मिल सकता है, पर ये एक प्रेयर है जो पोएट ने किया है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। ओ मून, गिव मी मून लाइट बास्केट फुल और टू बास्केट फुल विद सीड्स ऑफ मून लाइट। ओके, यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं, प्रेयर कर रहे हैं एक प्रकार की। कौन सी प्रेयर, कि मून को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो रिक्वेस्ट ये है कि मून हमको मून लाइट दे दो, थोड़ा बहुत प्रकाश दे दो। मून का जो प्रकाश रात को आता है वो उससे किया गया। अभी यहाँ पर मुझे ये बताओ कि ये मून को क्यों प्रकाश मांग रहे, सन के पास प्रकाश क्यों नहीं मांग रहे, क्योंकि उनको लाइट की जरूरत रात के समय है, जो हम लोग आगे पोएम में सीखेंगे। ठीक है, बास्केट फुल और टू बास्केट, एक बास्केट भर के या तो फिर दो बास्केट भर के, या तो फिर वो जो मून लाइट है उसके दाने, जो हम लोग फल खाते हैं तो उसके जो दाने होते हैं ना, वो दाने हमको दे दो। ऐसे मून से एक रिक्वेस्ट की गई। सेकेंड स्टैंजा में देखते हैं, फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज। मतलब वो मून लाइट का मुझे क्या करना है, सिटी से लेकर मेरे गांव तक On the sides of the path, रास्ते के आजू बाजू पे I want to sow, sow मतलब बोना, मुझे बहुत सारे बीज, जो moonlight के जो बीज है वो बोने हैं। क्योंकि यहाँ पर poet की ऐसी इच्छा है कि उसका कोई पौधा हो या तो फिर बड़ा सा पेड़ हो जाए और उसके ऊपर बहुत सारी moonlight आ जाए, ताकि पूरे रास्ते पे light आ जाए। ठीक है, स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, मतलब जो भी मैं बीज बोऊंगा वहां पर छोटे 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 मून लाइट वहां पर उगेंगे। फिर क्या होगा, द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क। फिर यहाँ पर उन्होंने बताया कि सिचुएशन क्या है, ऐसा मैं क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा जो गांव है, जनरली ऐसा होता है कि गांव में जो लोग रहते हैं वो लोग गांव के सभी आदमी लोग क्या होते हैं, सिटी में काम करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, गाँव के सभी लोग शहर में काम करने के लिए जाते हैं हर रोज। और क्या होता है, इट बिकम्स डार्क, वो क्या हो जाता है, शाम को जब वो लोग लौट के आते हैं तब डार्क हो जाता है। On its way back, जब वो लोग रिटर्न आते हैं तो रास्ते में बहुत अंधेरा हो जाता है। As my village is quite far, क्योंकि मेरा village जो है वो city से थोड़ा बहुत दूर भी है। और क्या है, the route is tough, tough मतलब difficult है, रास्ता जो आने का है जाने का है वो बहुत difficult है, क्योंकि पक्का रास्ता generally नहीं होता है, गांव से city को connect करने के लिए पक्का रास्ता नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, टफ है, डिफिकल्ट है, एंड फुल ऑफ स्नेक्स, मतलब वहां पर बहुत सारे सांप भी है, एंड स्कॉर्पियन मतलब बहुत सारे बिच्छू भी रास्ते में मिलते हैं। ठीक है, नीदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, मतलब यहाँ पर बस भी नहीं आती है या तो फिर कोई गाड़ी भी नहीं आती। कार्ट यहाँ पर मतलब बैल गाड़ी या तो घोड़ा गाड़ी, ऐसी कोई भी गाड़ी यहाँ पर आती नहीं। प्लाइज का मीनिंग यहाँ पर लिखा है, देख लीजिएगा एक बार, ट्रेवल्स रेगुलरली ओवर अ रूट, मतलब जो फ्रिक्वेंटली ट्रेवलिंग करता है, वैसी कोई बस या तो ऐसा कुछ है नहीं। प्राइवेट गाड़ियां वगैरह बाइक वगैरह आती होगी, पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो वहां पर नहीं आ रहा है। व्हेन माय फादर रिटर्न्स होम आई एम अस्लीप, दूसरी एक बात है कि जब मेरे डैडी आते हैं तो मैं ऑलरेडी सो गया होता हूँ, क्योंकि वो लोग रात को बहुत लेट आते हैं। और सिर्फ यहाँ पर डैडी के बारे में बात नहीं किया है, परंतु जितने भी गाँव के लोग हैं सभी लोगों का ऐसा ही हाल है। इसलिए पोएट को ऐसा एक सुझाव आया कि चलो मैं रास्ते के ऊपर मून लाइट लगा दूं, ताकि वो लोग उजाले में जाएंगे और उजाले में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फिर क्या होता है, एंड ही गोज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह में जल्दी चले भी जाते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई एम अस्लीप। ओके, जनरली जो मजदूरी का काम करते हैं उन लोगों की हालत ऐसी ही होती है, सुबह में उनके बच्चे उठे उसके पहले काम पे चले जाने का, और जब शाम को वो लोग आते हैं तब तक तो बच्चे सो भी जाते, मतलब कभी कभार एक दो हफ्ता हो जाता है अपने डैडी को उन्होंने देखा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उनको वर्किंग आवर्स उनका बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसी हालत कुछ यहाँ पर है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि सुबह में उनके डैडी जल्दी चले जाते हैं
और शाम को बहुत लेट से आते हैं, बच्चों को डैडी देखने को नहीं मिल रहे। नेक्स्ट, ओ मून गिव मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन। ओके, दूसरी एक बात बता रहे कि मुझे मूनलाइट तो चाहिए पर मुझे मूनलाइट लोन पे चाहिए। लोन पे क्यों चाहिए? क्योंकि पोएट को पता है कि शायद वो जो मूनलाइट है उसका जो मूल्य है, उसके जो पैसे है, वो नहीं चुका पाएगा। इसलिए वो कहता है कि मुझे लोन पे दे दो, थोड़ा बहुत उधार दे दो और उसके पैसे मैं किस्तों में दे दूंगा, हफ्ते में दे दूंगा। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट। मेरी इच्छा क्या है मूनलाइट से, क्या करना है मुझे? कि मुझे है ना जो रूट है, जो रास्ता है, उसमें प्रकाश लाना है, जो बहुत अंधकार से भरा हुआ उसमें प्रकाश लाना है। सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, ताकि मेरे डैडी जल्दी आ जाए। मतलब भले ही वो लेट आएंगे पर वहां पर प्रकाश तो रहेगा ना, इसलिए उनका कहना है कि जब वो आएंगे तो वहां पर मुझे प्रकाश चाहिए। आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स। मेरी एक और भी इच्छा है कि मैं रात को सो उसके पहले मेरे डैडी आकर मुझे कहानियां बताए, फेरी टेल्स, परियों की कहानियां बताए। ठीक है, नेक्स्ट, एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, और दूसरी बहुत सारी स्टोरीज जो मेरे डैडी मुझे आकर बताए। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, I want to sow seed of moons on the side of the path. इसलिए मून मुझे थोड़ी बहुत लाइट दे दो, या तो फिर जो मून लाइट है उसके दाने, बीज है, वो मुझे दे दो जो मैं रास्ते में बोना चाहता हूँ, ताकि वहां पर प्रकाश आ जाए। कितनी अच्छी प्रेयर है। कौन सा बच्चा ऐसा है जो अपने मम्मी पापा के बारे में ऐसा सोच सकता है कि वो लोग जो तकलीफ में से जा रहे हैं, वो लोग जो परेशानी में से जा रहे हैं, वो परेशानी को देखकर गॉड से वो प्रेयर करना चालू कर देते हैं, या तो फिर ऐसे कोई एलिमेंट से रिक्वेस्ट करना चालू कर देता है कि तुम आ जाओ ताकि मेरे मम्मी पापा का काम बहुत आसान हो जाए। तो वैसे ही कुछ प्रेयर यहाँ पर जो सुनील शर्मा जो हमारे पोएट है उन्होंने यहाँ पर की है। और याद रखे ये जो पोएम है वो डोंगरी लैंग्वेज में लिखी गई थी, वहां से इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई। बहुत अच्छी पोएम है, आप एक या दो बार ही आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये पोएम के अंदर याद रखें किसके साथ बात की जा रही है, हर एक स्टांजा में मून के साथ बात की जा रही है। मतलब पोएम का ज्यादातर हिस्सा जो है वो एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच में लिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।